तो अब हम अपना ऑर्गेनोमेटलिक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम मेटलोसीन पढ़ रहे थे तो हमने मेटलोसीन देख लिया था, बेसिकली फेरोसीन देख लिया था। अब हम देखेंगे सम अदर सीपी लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सीपी मतलब साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन या आयन मेरा लिगेंड की तरह काम करता है। तो देखेंगे सम अदर CP containing ligands, CP ligand containing या CP containing complexes, ठीक है। तो अब हमने पहली बार तो मेटलोसीन्स देख ली सारी। मेटलोसीन्स में क्या होता है, निकलो क्या होता है, मेरा CP ligand होता है। अब इसका पहला एग्जांपल फेरोसीन देख लिया, अब देखेंगे हम निकलोसीन, क्या कौन सा एग्जांपल, निकलोसीन, निकलो सीन, ठीक है। निकलोसीन में क्या होता है, वही मेरी दो सीपी लिगेंड बीच में निकल मेटल आयन, ठीक है। दिस इज एन अनस्टेबल क्योंकि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन काउंट बैठ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 20, अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉन काउंट करके नहीं बता सकता कि 20 कैसे बैठ रहे हैं। आप लोग काउंट कर सके 5, 10, 10, 20 और 8 कितने हो गए, 20 और 8 वो 5 और 5, 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। क्योंकि निकल यहाँ किसमें है, निकल हम किसमें मानेंगे, जीरो में, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है कोऑर्डिनेशन पर, कोऑर्डिनेशन पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज घटाएंगे या जोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं स्पेयर का चार्ज लेता था, मेटल आयन का चार्ज वैसे भी नहीं लेता था अपने न्यूट्रल एटम मेथड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इट इज हाईली रिएक्टिव, ये जो निकलोसीन होती है 20 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हाईली रिएक्टिव है, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल बिकॉज इट कंटेन टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, इसके दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी वजह से ये क्या होगा, निकलोसिन हाईली रिएक्टिव होती है और अनस्टेबल कंपाउंड होता है। सो सीपी लिगेंड easily reduced by 3 electron donating ligand. तो मेरा CP ligand जल्दी से, ये 5 electron donor होता है, किसी भी 3 electron donor में ligand में reduced हो जाएगा, like NO. NO जो 3 electron donor होता है, NO ligand, या फिर एलाइल लिगेंड में, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो कैसे होगा कि मेरे पास निकलोसीन है, ठीक है, ये निकलोसीन है, इसको मैं एनओ से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, निकल एक साइड सीपी और एक साइड क्या जुड़ जाएगा, एन डबल बॉन्ड, दैट इज एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और क्या हो जाएगा, और कैसे कैसे रिप्लेस हो सकता है, कि जब ये मेरा निकलोसीन है, ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, NaHg मेटल अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एल्कोहल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपनी हेप्टासिटी को कम कर लेगा, क्योंकि आपको पता है CP3 हेप्टासिटी भी शो करता है, तो एक CP 500 करेगा और दूसरा CP कितनी शो करेगा, दूसरा CP कितनी हेप्टासिटी शो करेगा, 3, और ये वाला CP कितनी करेगा, 5। अब भी ये 18 इलेक्ट्रॉन बन गया और जिसकी वजह से ये क्या बन गया है, स्टेबल कंपाउंड बन गया है। और भी रिएक्शन है निकलोसिंस की, और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, और भी रिएक्शन देखेंगे कि मेरे पास क्या है, वही निकलोसिन है अपना,
निकलोसीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन इस लिगेंड से करा देता हूँ CH3CH, गेट में कोई सी भी रिएक्शन दे देगा, ठीक है, CH2-MgBr पॉजिटिव, मतलब ये जुड़ा हुआ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक CP किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस एलाइल ग्रुप से, ये 1, 2, 3 हेप्टासिटी तीन हो जाएगी ना, ये रेजोनेंस में रहेगा ना, तो ये तीनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट रहेगा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCHCH2, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो, और इससे जुड़ा हुआ CH3 and CH3, और इसकी हेप्टासिटी तीन है, और ये भी क्या बन गया, अब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ठीक है, लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि मेरे पास निकलोसीन है, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने NiCO4 से करा दी, किससे करा दी, NiCO4 से करा दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में, दैट इज, ठीक है, NiCO as bridging metal metal ion bond CO and ये फिर किससे, इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस या डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये क्या होगी, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब डाई न्यूक्लियर में भी मेरी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और क्या हो सकता है, डाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, या इसको क्या बोलेंगे, जब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि मेरा ऑक्सीडेशन भी होना साथ साथ और मेरे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्रीमेंट आता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अभी हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो सब जानेंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं डाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट इज डाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे मेरा अभी ये वाला कंपाउंड सिंथेसिस हुआ था, इसका यूज ये है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देता है निकल, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करा दूं, ब्रोमीन Br2 डाल दूं, Br ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NiCOBr और साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन प्लस BrNiCO एंड CP, दिस इज। अब इसका मैं रिडक्शन कराऊं, LiAlH4 डाल दूं इसमें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्राइड डोनेट करेगा तो Br रिप्लेस हो जाएगा इजीली बाय हाइड्राइड डोनर, अभी हमने देखा था, तो ये COH एंड दिस इज CP लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 1850 से 2120 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और NMR के कितने सिग्नल होंगे, एक CP का, हेप्टासिटी 5 का, 2 NMR सिग्नल, ये सब बातें ध्यान में रखेंगे, ये बार बार कोई बताएगा नहीं, कुछ भी पूछ लेगा कितने NMR सिग्नल होंगे, इसमें 2 NMR सिग्नल होंगे, इस वाले में 1 NMR सिग्नल है, बार बार यही NMR डाटा होता है, यही 1 NMR सिग्नल है इसकी, और इसकी यहाँ CO ब्रिजिंग है, तो यहाँ जो CO की केमिकल शिफ्ट होगी और आराम से 1700 के नियर अबाउट होगी, नियर अबाउट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगी, जबकि वो 1850 है क्योंकि वो टर्मिनल है, ये ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग में और कम भी हो, 1700 के आसपास होगी, ठीक है। और एक ये डायरेक्ट मेटल से लगा हुआ है तो इसकी निगेटिव शिफ्ट होगी, ये बात भी ध्यान रखना, क्या एक कहाँ होगी, निगेटिव रीजन में होगी, जबकि इसकी कहाँ होगी, पॉजिटिव में होगी, कहाँ होगी, पॉजिटिव में होगी, अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 3.5 ppm के आसपास होगी, ठीक है। और इसकी निगेटिव होगी 0.5 या -1 के आसपास होगी, -1 ppm के आसपास। ये सब बातें हमारे ध्यान में रखने की होती है, बार बार हमको पता है कि NMR स्पेक्ट्रा मेरा किस चीज़ पर बेस्ड होता है, ठीक है।
अब यहां हम क्या डालेंगे कि भैया जो भी मेरा क्या होता है हैलाइड एसीटेट, हैलाइड एसीटेट या एल्कोक्साइड लिगेंड होते हैं, एल्कोक्साइड लिगेंड होते हैं वो इजिली एल्काइल या हाइड्राइड लिगेंड से क्या हो जाते हैं रिप्लेस्ड हो जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय R- और H- ऐसे अल्काइल और हाइड्राइड लिगेंड से इजीली रिप्लेस हो जाते हैं जो मेरे हैलाइड एसीटेट या एल्कोक्साइड लिगेंड होते हैं, दैट इज हैलाइड लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड है मेरा, हैलाइड लिगेंड, ठीक है। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज नोट डाल सकते हैं अगले क्वेश्चन में, FeCO का होल 5 प्लस एटा 5CP का होल ट्वाइस Fe, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेगा CO CO Fe और इससे क्या जुड़ा होगा CP जुड़ा होगा एक, इसे डायरेक्ट सी पी लिख सकता हूँ, इससे जुड़ा गया है सी पी ईटा फाइव में, मतलब पांच हेप्टासिटी के साथ सी पी जुड़ा हुआ है, पांच हेप्टासिटी के साथ यहाँ एक सी ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ दो सी ओ जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराऊंगा सी एल टू का, तो क्या बनेगा एफ ई सी पी सी ओ सी ओ एंड सी एल, ठीक है। अब इसमें मैंने वही फिर से एल आई एल एच फोर डाल दिया, तो क्या होगा ये सी एल रिप्लेस किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्राइड लिगेंड से, किससे रिप्लेस हो जाएगा हाइड्राइड लिगेंड से, ठीक है। और ये दो एन एम आर सिग्नल, वही सब बातें, दो एन एम आर में दो सिग्नल, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दोनों टर्मिनल है, देखो यहाँ एक ब्रिजिंग है एक टर्मिनल है, एक सीओ की फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी वो 2200-1850 से 2200 के आसपास आएगी और एक 1650 से 1700 के बीच में आएगी। और अगर मैं इसमें क्या डाल दूं CH3-Li पॉजिटिव, तो ये एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, किससे रिप्लेस हो जाएगा ये सीओ सीओ एंड CH3 easily replaced by alkyl group हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसमें भी NMR सिग्नल दो है, एक दो दो NMR सिग्नल है इसमें, ठीक है CH3 देखो, लेकिन इसके दोनों NMR सिग्नल कहाँ आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, जबकि इसका एक पॉजिटिव में आएगा और एक निगेटिव में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर मैं LiAlH4 हाइड्राइड डोनर डाला तो दो NMR सिग्नल आए, और एल्काइल डोनर डाला तो भी दो NMR सिग्नल आए, पर इसमें दोनों पॉजिटिव में है इसमें दोनों निगेटिव में, तो मैंने क्या एल्काइल से रिप्लेस कराया या हाइड्राइड से रिप्लेस कराया वो पता चल देगा, बता देगा दोनों NMR पॉजिटिव में तो एल्काइल से रिप्लेस हुआ है और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में है तो किससे रिप्लेस हुआ है, हाइड्राइड से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं और, हम अपने निक्लोसीन पे पढ़ रहे थे, निक्लोसीन के बारे में एक दो बात और जान लेते हैं। वो बात क्या है कि भैया जैसे मेरे पास ये ठीक है 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप सबको पता है, इसमें मैंने फ्लोराइड डोनर HBF4 डाल दिया एटा की 5CP का होल ट्वाइस Ni निकल के साथ, मतलब तो, और ये भी डाल दिया दोबारा से एक और लिगेंड डाल दे, यही डाल दिया CP का ट्वाइस, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा लेयर कंपाउंड, लेयर कंपाउंड फॉर्म कर लेगा Ni नीचे भी क्या है CP, और ये 34 इलेक्ट्रॉन होंगे ओवरऑल की इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स, वही डबल डेकर बस होती है ऐसी, ये क्या बन गया ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स बन गया है, इंपॉर्टेंट है ये बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स बन गया है और इस पर प्लस वन चार्ज होता है, और ये क्या होता है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है निक्लोसीन से, मोर स्टेबल देन निकलो निकलो, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं कि जो मेरे भैया
ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स होते हैं आर मोर स्टेबल, ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल इन निकेलोसीन बिकॉज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिकॉज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर बिटवीन टू निकल, शेयर बिटवीन जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे अब वो दो निकल में शेयर हो रहे हैं, तो वो आराम से इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड शेयर बिटवीन टू निकल मेटल, शेयर बिटवीन टू निकल मेटल एंड थ्री सीपी लीड। ठीक है, अब ये होता हो गया ऑल अबाउट निकल निकलोसीन। इसी तरीके से मैंने बताया था फेरोसीन निकलोसीन एंड कोवाल्टोसीन का भी अपना अलग रोल है, तो कुछ बात हम कोवाल्टोसीन के बारे में भी देख लेते हैं, ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, चार पांच बातें करेंगे कोवाल्टोसीन के बारे में। कोवाल्ट ब्लैक कलर का होता है, पर्पल ब्लैक, पर्पल ब्लैक कलर का होता है कोबाल्टोसीन, दिस पर्पल ब्लैक कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, पर्पल ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है मेरा क्या कोबाल्टोसीन, वही होता है कोबाल्ट एक सीपी ऊपर और एक सीपी नीचे। ठीक है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, निकलोसीन में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता सकता है, तो बहुत अच्छा क्या है ये, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पर, तो दूसरे को क्या करेगा, ये क्या कर देगा, दूसरे को बहुत जल्दी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसके पास वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, वर्क एज फ्री रेडिकल, जो इस पे फ्री रेडिकल की तरह काम करता है, रेडिकल की तरह काम करता है, सो आल्सो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, इसलिए कोबाल्टोसिन आल्सो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स भी मेरा कोबाल्टोसिन क्या करता है, सो करता है। ठीक है, तो ये इसको हेप्टासिटी 5 से 4 में चेंज करना पड़ेगा मुझे, कितने में चेंज करना पड़ेगा, 4 में, तो ये हेप्टासिटी 4 में इजीली चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ताकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सके 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन लिगेंड, ब्यूटाडाइन लिगेंड में से चेंज हो जाता है, मतलब ब्यूटाडाइन लिगेंड बन जाता है, सीपी मेरा ब्यूटाडाइन लिगेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और हेप्टासिटी कितनी सो करने लगता है, 400 करने लगता है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगी जो कि स्टेबल होती है, ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है अनस्टेबल है, और ये क्या बन गया मेरा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, कैसा बन गया, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद में आर रेडिकल अगर इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल इस आर रेडिकल को कैप्चर कर लेगा, यहाँ आर बन जाएगा सीओ सीपी। ठीक है, अब इट इज एन 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, मतलब इसको हम कोबाल्टोसिन को फ्री रेडिकल कंज्यूमर भी बोलते हैं, इट इज फ्री रेडिकल कंज्यूमर, जो मेरा कोबाल्टोसिन है वो क्या है, इट इज फ्री रेडिकल कंज्यूमर है, फ्री रेडिकल कंज्यूमर, मतलब फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है भैया कोबाल्टोसीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन CF2 डबल बॉन्ड CF2 से करा दी मैंने, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल कंज्यूम कर लेगा इसे CF2। ठीक है, रेडिकल CO CP
इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर से मैंने ईटा 5 सी पी का होल प्राइस सी और यही लिगेंड यही कॉम्प्लेक्स डाल दिया, तो क्या बना देगा ये इस तरीके से सी ओ सी पी सी एफ टू सी एफ टू और ये वाला रेडिकल इसका अब दूसरा वाला क्या कॉम्प्लेक्स क्या अब्सॉर्ब कर लेगा जो किससे जुड़ा होगा सी ओ और उसके ऊपर क्या जुड़ा होगा सी पी। देखो ये इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लिया इसने, लेयरी स्ट्रक्चर, पहले सी पी सी पी सी ओ और ये जो था ये फिर से यही कॉम्प्लेक्स दोबारा से उड़ गया इस लिगेंड के थ्रू, मतलब ये डाइमर फॉर्मेशन हो गई। क्या फॉर्मेशन हो गई है, डाइमर फॉर्मेशन हो गई है कोबाल्टोसिन की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोबाल्टोसिन इज पर्पल ब्लैक कलर इन 19 इलेक्ट्रॉन व्हाइल आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इन 18 इलेक्ट्रॉन इट इज कलर इज येलो। जब ये 18 कलर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना देता है इट इज येलो इन कलर, किस कलर का हो जाता है येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, और अगली चीज क्या है, जैसे एग्जांपल और भी एग्जांपल है हमारे पास इसके, भाई बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सी पी लिगेंड के, टी आई ईटा 5 सी पी का होल ट्वाइस, ठीक है, या ईटा 5 सी पी का होल ट्वाइस, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट और कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, एग्जांपल है जैसे ईटा 5 सी पी बेरिलियम और ईटा 1 सी पी। ठीक है, तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स लास्ट वाला बनाता हूँ, बी सी पी एज ईटा 5 और सी पी एज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर इन दिस। ठीक है, यहाँ ईटा 1 है, इसके लिए ईटा 5 मतलब हेप्टासिटी 1 है और हेप्टासिटी 5 है। द हाइड्रोजन दैट बिकम, इसमें एनएमआर सिग्नल भी देखेंगे भाई, किसमें कितने एनएमआर सिग्नल आ रहे हैं, कितने टाइप के एनएमआर सिग्नल जनरेट हो रहे हैं सब में काउंट करके बता देना, कुछ नहीं है इसमें भी एक सिग्नल, तो दोनों का सिमिलर सिग्नल एक, और इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, चार हेप्टासिटी में कितने सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, जब सी पी लिगेंड चार साइक्लोब्यूटाडाइनाइन कितनी हेप्टासिटी है कितने सिग्नल शो करेगा वो सब काउंट कर लेना, एक ही करेगा, दो सिग्नल आएंगे इसमें बस। While after losing one electron in 18 electron, the hydrogen that become chemically equivalent, जो सारी chemically equivalent due to ये सब fluxoniality with high temperature are slightly broad signal in NMR। देखो वो हाइड्रोजन जो मेरी क्या होती हैं, जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद केमिकली इक्विवेलेंट बन जाती हैं फ्लक्जोनियल नेचर की वजह से, जैसे चारों फ्लक्जोनियल बन गई है, इनका सिग्नल थोड़ा सा ब्रॉड मिलता है क्योंकि भैया ये फ्लक्जोनियल बिहेवियर की वजह से इक्विवेलेंट हुई हैं, तो उनका सिग्नल कैसे मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा। जैसे इसकी बात करूं एट लो टेम्परेचर पर एक सिग्नल इसका और तीन यहां से, टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे, टोटल चार, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा एट हाई टेम्परेचर ये सारे के सारे चारों की चारों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी और टोटल एक इसका मिलेगा और एक इसका, टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे, टोटल सिर्फ दो सिग्नल मिलेंगे, पर ये जो इसकी वजह से जो सिग्नल मिलेंगे वो थोड़े से ब्रॉड होंगे क्योंकि वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हो गया, फ्लक्जोनियल बिहेवियर की वजह से आए हैं, इसलिए वो सिग्नल क्या कहलाएंगे, ब्रॉड सिग्नल कहलाएंगे। क्या सिग्नल कहलाएंगे, ब्रॉड सिग्नल कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज
नेक्स्ट वन इज, अगला एग्जाम्पल है मेरा टी आई वाला, टी आई सी पी टी आई। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री है दोनों सीपी के बीच है, ठीक है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, ठीक है, कि टी आई और लोग लिगेंड आ गए इसके साथ, तो ये कितने टेम्परेचर, ये तो सैंडविच कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या हो जाएगा सी एल सी एल, इन दोनों के बीच का एंगल 94 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों बीच अब 130 डिग्री एंगल पर रहेंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री इसकी, इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इस लिगेंड की ज्योमेट्री सूडो टेट्राहेड्रल रहेगी, सूडो टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं है, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल में सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होने चाहिए, यहाँ एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे सूडो है टेट्राहेड्रल, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ टू सीपी, दो सीपी लेकिन की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या हो गई है ये सूडो टेट्राहेड्रल हो गई है। अब रिएक्शन देखेंगे इस वाले के, अगर मैं इसकी LiAlH4 से करा दूं, LiAlH4 से हाइड्राइड डोनर है, दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे, Ti Cp Cp और दोनों एक हाइड्राइड रिप्लेस हो जाएगा पहले, फिर अगर मैं इसकी करा दूं Li प्लस CH3 माइनस से, तो Ti CH3 Cp Cp और क्या बन जाएगा Cl, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Cp माइनस Na प्लस की वजह, तो ये वन सिर्फ मतलब वन हेप्टासिटी के साथ एक नया Cp लिगेंड भी इससे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कैसे, बल्कि दोनों ही रिप्लेस कर देंगे, CH3 दोनों को ही रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन भी, अगर अगले स्टेप में दोबारा दो इक्विवेलेंट है तो दोनों हाइड्रोजन आ सकते हैं, ये भी दोनों CH3 कर देना, और यहाँ Ti 5 हेप्टासिटी के साथ ईटा 5 के साथ ईटा 5, और इसके बाद दो जुड़ जाएंगे इसके साथ ईटा 1 के साथ, दो सीपी लिगेंड किसके साथ जुड़ जाएंगे ईटा 1 के साथ, ठीक है। अब वही है, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करेंगे, एक इन दोनों के लिए, एक इनके लिए, दो इसमें, इसमें कितने, इसमें भी दो, और इसमें देख लेंगे एक इन दोनों के लिए और इनके लिए, अगर लो टेम्परेचर है तो कितने और हाई है, तो लो है तो वही ये दोनों अलग अलग तीन सिग्नल देंगे, तो लो टेम्परेचर पर ये 4 NMR सिग्नल देगा, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर मेरा जो डाइब्यूटेन होता है वो मेरा क्या देता है 3 सिग्नल देता है, तो लो टेम्परेचर पर 4 सिग्नल, हाई टेम्परेचर पर 2 NMR सिग्नल, 4 NMR सिग्नल लो टेम्परेचर पर, ठीक है। ये सब बात होगी इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट लिगेंड इज CP की तरह और भी लिगेंड होते हैं जो बहुत अच्छे पाई इस तरीके से काम करते हैं, बॉन्डिंग का काम करते हैं और CP से बेटर हैं। वन ऑफ देम इज इंडीनाइल लिगेंड, वन इज इंडीनाइल लिगेंड, ठीक है। तो अब हम डालेंगे नेक्स्ट इज INDINYL इंडीनाइल लिगेंड, होता किस तरीके से है देखो, जैसे CP ये होता है, ठीक है, दिस इज CP, उसी तरीके से इंडेनाइल लिगेंड ऐसा होता है CP के साथ क्या करो कि 6 मेंबर की रिंग जोड़ दो, और दिस इज 6 मेंबर रिंग, और हेप्टासिटी 5 हो जाएगी अगर ये 3 हो जाएगी अगर मेटल के साथ ऐसे जोड़ेगा। देखिए CP लिगेंड के साथ मेरे साथ क्या केस था, वो 1 और 3 हेप्टासिटी इतनी ज्यादा सो नहीं कर रहा था, पर इन लिगेंड को मैं ऐसा बना दूंगा कि ये 3 भी बहुत अच्छी सो करेंगे, 3 आराम से सो करेगा, क्योंकि बाद में ये इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, 3 सोने करने के बाद इसकी बेंजीन का एरोमेटिक करेक्टर मेंटेन रह रहा है, इसलिए ज्यादा अच्छा 3 हेप्टासिटी सो करता है। इसी लिगेंड को क्या बोला है मैंने इंडीनाइल लिगेंड बोला है, क्या लिगेंड बोला है इंडीनाइल लिगेंड बोला है, और ये किस तरीके से रहेगा, अगर ये 5 हेप्टासिटी सो करेगा, ये 5 हेप्टासिटी पुअर शो करेगा, 5 पुअर क्यों सारे करेगा देख लेना, ठीक है। अब ये 5 हेप्टासिटी शो कर रहा है तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, 5 हेप्टासिटी शो करने पर इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से 5 शो नहीं कर पाएगा, और 1 भी शो कर सकता है, तो इंडीनाइल लिगेंड का
तो डिनोट कैसे करेंगे इसको हम इंडियन आयल लिगेंड को, इस तरीके से, दैट इज इंडियन आयल लिगेंड है, इंडियन आयल लिगेंड हो गया। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि भैया इट हैज बीन अप्रूव्ड दैट, इट हैज बीन अप्रूव्ड दैट इफ इंडियन आयल लिगेंड प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देन इंडियन आयल लिगेंड एनहेंस, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा भैया, एनहेंस द रिएक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, द रिएक्टिविटी ऑफ लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो हम पढ़ चुके हैं बेसिकली लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन की कैसे कैसे लीगेंड एक लीगेंड दूसरे को लीगेंड को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, एनहेंस द रिएक्टिविटी ऑफ लीगेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाय इनकमिंग लीगेंड इन असोसिएटिव, इनकमिंग लीगेंड इन असोसिएटिव यानी SN2 मैकेनिज्म्स के द्वारा, मैकेनिज्म और इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म SN1, ठीक है, due to very low energy barrier, ठीक है, between heptacity 3 और heptacity 5 में बहुत कम एनर्जी बैरियर होने की वजह से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देता है रिएक्टिविटी को, ठीक है, चाहे वो SN2 मैकेनिज्म से जाए चाहे वो SN1 मैकेनिज्म से जाए, इन इंडियनाइल रिएक्शन लिगेंड, क्योंकि इंडियनाइल लिगेंड में 3 और 5 हेप्टासिटी का एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है, वहां सिर्फ 5 एनर्जी बैरियर, 5 और 3 का एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा होता था, 3 शो करता ही नहीं था, पर यहाँ 3 भी बहुत ज्यादा शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा होता कहाँ है, बिल्कुल देखो तो इसका एग्जाम्पल ये रहा कि भैया ये मेरे पास इंडियनाइल लिगेंड है, ठीक है, दिस इज इंडियनाइल लिगेंड और ये हेप्टासिटी 3 शो कर रहा है, कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, CO 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, PH3 से इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, ठीक है, तो तुरंत CO ये किससे रिप्ले, कितनी हेप्टासिटी शो करने लगेगा, 5 हेप्टासिटी शो करने लगा, कितनी हेप्टासिटी शो करने लगेगा, 5 हेप्टासिटी शो करने लगा, अब ईटा 5 शो करने लगा, CO एंड CO, ठीक है, और इसमें से मैंने 3 CO लग गया, अब ये कितना बन गया, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई, एक जो कि एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, एक CO को निकाल देगा और फिर से क्या बना देगा, हेप्टासिटी 5, ठीक है, ये 5 ही हेप्टासिटी शो कर रहा है, CO कोबाल्ट CO और ये वैकेंट रह जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसके बाद क्या होगा, PH3 डाला था वो PH3 आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CO हेप्टासिटी 5, ठीक है, CO PH3, फिर से ये कितने बन गया, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनस्टेबल, तो क्या करेगा ये फिर से अपनी क्या करेगा, हेप्टासिटी को कम कर लेगा और कितनी कर लेगा, 3 कर देगा, कितनी कर देगा, 3 कर लेगा, ठीक है, और कितनी हेप्टासिटी शो करेगा, फिर से 3 करेगा और यहाँ क्या, CO
कोबाल्ट है, ये सीओ कार्बन सीओ लिगेंड है और पी एच थ्री, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या हो गया इसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ, पहले पी एच थ्री आना था सीओ की जगह, तो पहले इसने अनस्टेबल बनाया, तीन से पांच में गया, फिर सीओ को निकाल दिया पांच से तीन, फिर पांच में वैकेंसी हुई पी एच थ्री आया, फिर पांच में अनस्टेबल हो गया, तो फिर से क्या बन लिया इसने अपने आप को तीन हेप्टासिटी में कन्वर्ट कर लिया, फिर से इसमें कितने कन्वर्ट कर लिया इसे तीन हेप्टासिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी लिगेंड होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरोनाइल लिगेंड है, बहुत सारे लिगेंड होते हैं, नेक्स्ट लिगेंड इज फ्लोरोनाइल लिगेंड, फ्लोरेनल लिगेंड, फ्लोरेनल लिगेंड में क्या होता है, ये एक लिगेंड होता है बेंजीन, ठीक है, ये सब बने सीपी लिगेंड से ही है, दिस इज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज इट also work as in same manner like indenyl ligand, बिल्कुल indenyl ligand की तरह काम करता है, indenyl ligand की तरह काम करता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी अब बात करूं मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर सीपी इंडेनाइल और फ्लोरेनाइल में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ अदर लिगेंड, ऑफ अदर लिगेंड ऑर्डर इज, ठीक है, क्या है, फ्लोरेनाइल, इसके बाद इंडेनाइल, उसके बाद सीपी और सबसे कम किसका, सीपी स्टार का, ठीक है। नाउ अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज ट्रांसमेटलेशन, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ देंगे हम रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रांसमेटलेशन, ट्रांसमेटलेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल है D1 से D9 वाला, लेकिन मेटल M1 है, ये मेरा सॉफ्ट मेटल है, कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, इससे कोई भी हैलाइड एसीटेट या एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा हैलाइड एसीटेट या एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि ये क्या होता है, हार्ड होता है, तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनफेवरेबल इंटरेक्शन होते हैं, तो इजिली ये दूसरे मेटल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे Ln M डबल डैश दैट इज हार्ड मेटल है, ठीक है, और ये R क्या है मेरा, R काइरल सॉफ्ट लिगेंड है, काइरल लिगेंड है जो कि एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो ये दोनों मेटल आयन, देखो ये मेटल आयन हार्ड है, इसको हार्ड लिगेंड चाहिए, ये मेटल आयन सॉफ्ट है, इसको सॉफ्ट लिगेंड चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के लिगेंड का इंटरचेंज कर लेते हैं, या बोलूं मेटल का इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हार्ड है, हार्ड मेटल आयन है, ये पक्का एस ब्लॉक का होगा और P ब्लॉक का हो सकता है, S ब्लॉक या P ब्लॉक के मेटल आयन ही हार्ड मेटल आयन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Ln M डैश R जो काइरल था, प्लस Ln M डबल डैश X एसीटेट या एल्कोक्साइड, इस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसमेटलेशन। और ये जो चार मेंबर साइक्लिक रिंग के थ्रू, चार मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों में चार मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, चार मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होती है, ठीक है, तो लिख सकते हैं दिस इज प्रोसीड बाई फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोसीड इन कंसर्टेड मैकेनिज्म, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन सभी एक साथ होते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म,
सो जो कायरल की कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ R या S में से जो भी होगी वही R या S में होगी, R या S वही होगी. सो एंड कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, एंड कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड थ्रू आउट द रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या वो मेरे किस में हो, प्रोडक्ट के अंदर हो. दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट क्या होगा, ये क्या होगा मेरा रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेट क्या ट्रांसमेटलेशन. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का. एक क्वेश्चन तो वहां से आता है, ठीक है. उसके बाद कैटेलाइसिस पढ़ेंगे और एक नेट वाले के लिए कपलिंग रिएक्शन रहेगा, थोड़ा सा NO लिगेंड का वो दे दूंगा, बस दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनोमेटलिक, खत्म होने वाला है. फिर उसके बाद चार पांच टॉपिक बचे हैं, पांच छह घंटे की क्लास बची है, तीन चार घंटे की. तो डालेंगे अगला टॉपिक है रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. देखो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड OMC, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले तो टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे. सबसे पहली रिएक्शन है मेरी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. दूसरा है एगोस्टिक इंट्रैक्शन रिएक्शन, ठीक है. पहली ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा है एगोस्टिक इंटरैक्शंस. तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है मेरी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. फोर्थ टाइप की है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन. अगर ये सब समझ ले तो कैटेलाइटिक साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. और फिफ्थ वन इज क्या? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसका नाम क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन. नाउ सिक्स्थ वन इज लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलमोस्ट हम सब पढ़ चुके हैं. सिक्स्थ वन इज लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलमोस्ट स्टडीड है कि कैसे लिगेंड सब्स्टिट्यूट होता है. PS3 वाला एग्जांपल पढ़ा था हमने, ठीक है. और ये कैसा होती है? एक विद कोन एंगल होता है इसमें, मतलब एक एंगल पर्टिकुलर एंगल पर बनती है ये रिएक्शन, कैसे होती है ये सब हम पढ़े. तो हम पहली अपनी रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. तो पहली रिएक्शन लिखेंगे हम जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में खास बात क्या है कि भैया यहां मेरी जो स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और एज वेल एज क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, उसमें एडिशन ऑफ लिगेंड्स भी होगा. जैसे क्या है कि मेरे पास कोई मेटल आयन है, ठीक है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और इसके साथ 4 लिगेंड जो है. अब इसका जब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा, कोई भी लिगेंड आया Br2 टाइप, तो अब क्या बनेगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी. मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 4. और यहां क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6. यानी
देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ी, इसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोलता हूँ। जैसे मैंने मान लिया, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि LNM मेरा जीरो में है, ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन YX से करा दी, ठीक है। जब YX ये मेटल जीरो में है तो बैक बॉन्डिंग करने था, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इस बॉन्ड के डोनेट करना चाहेगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटना शुरू हो जाएगा, और ये किस तरीके से टूट जाएगा, Y माइनस और X माइनस, ठीक है, इस तरीके से टूट जाएगा। Y माइनस X पॉजिटिव में नहीं टूटता है, क्योंकि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बनेंगी। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन HH तो 2H माइनस हाइड्राइड डोनर बनता है, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे कोई भी स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, स्मॉल है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है, एक्चुअल में क्या है, जीरो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या मान ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कितनी है इसकी, एक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज LNM प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, प्लस X भी जुड़ जाएगा और Y माइनस भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, N प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, प्लस टू। अगर यहाँ जीरो नहीं, कोई A मान ली, A ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डी एक्स माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात लिखते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम वन मेटल, एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, इन मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जब एक ही न्यूक्लियस, मतलब मेरे पास एक ही मेटल आया ना, जैम के कोर्स में मोनोन्यूक्लियर ही है, मोनोन्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, और नेट में दोनों है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम टू मेटल किसमें होगा, डाई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, OER, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कितने से होगा, तीन मेटल से होगा, फ्रॉम थ्री मेटल होगा, तो उसको बोलेंगे ट्राई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। The reaction in which, अब लिखेंगे definition, the reaction in which addition of ligand occur, ठीक है, with the oxidation state, of metal is called, मतलब oxidation state में भी addition हो रहा है, ligand का भी addition हो रहा है, oxidation state of metal is called oxidative addition reaction, देखो ये ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जनरली एफ ब्लॉक के एलिमेंट मेटल बनाते हैं, और एफ ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं है तुम्हारे में, नेट वालों गेट वालों किसी के भी नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को बाई न्यूक्लियर का देख सकते हैं, और मोनो न्यूक्लियर का तो सबको ही देखना है, ठीक है। अब इट कैन बी, और अगर मैं बात करूं तुम्हारे कोर्स के पर्पस से, तो ये मोनो न्यूक्लियर से जैम के लिए, और मोनो न्यूक्लियर डाई न्यूक्लियर जैम नेट और गेट दोनों के लिए, तो इट कैन बी मोनो न्यूक्लियर और डाई न्यूक्लियर, दोनों तरीके से हो सकती है, मोनो न्यूक्लियर भी हो सकती है, ठीक है, और डाई न्यूक्लियर भी हो सकती है। अब भैया कंडीशन क्या क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए, वो देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन में, किस कंडीशन में ऐसी रिएक्शन होगी मेरे पास। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन,
conditions for oxidative addition reaction. ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन क्या है, मेटल मस्ट बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड. कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड इसका मतलब ये हो गया कि उस मेटल आयन में और लिगेंड ऐड करने की टेंडेंसी होनी चाहिए. ये नहीं कि कोई स्पीसीज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाती है, अब उससे ऑक्टाहेड्रल में ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से ऊपर नहीं जा सकता, वो 6 लिगेंड से ज्यादा नहीं जोड़ सकता मेटल, तो उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगा. तो इसका कहने का मतलब है कि मेटल मस्ट बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, उसमें और टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो और भी क्या मेटल आयन को जोड़ सके, ठीक है, और भी लिगेंड्स को जोड़ सके ताकि वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्रीज कर सके. दूसरा, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी स्टेबल. जो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करके ऑक्सीडाइज होकर कर रहा है, जैसे 0 से +2 में गया है, तो ये +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए. अगर स्टेबल नहीं होगी तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वो करेगा ही क्यों. तो कह सकते हैं नेक्स्ट इज फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी स्टेबल. क्या होनी चाहिए? मस्ट बी स्टेबल. फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्या होनी चाहिए? स्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है. और थर्ड क्या है, मेटल के पास नॉन बॉन्डिंग, मेटल मस्ट हैव नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लूज. मेटल के पास नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होनी चाहिए लूज के लिए. ये तीनों कंडीशन, All the three conditions satisfied by किस किस के द्वारा सेटिस्फाइड होती है? पहला क्या है, पहला कौन करता है? 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लीनियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, लाइक LMF, ठीक है, ये लीनियर कॉम्प्लेक्स है 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, ठीक है, या 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, या 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस मेटल लीगेंड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, और ये कितना है 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, ठीक है. दीज टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और हमें जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसलिए ऑक्टाहेड्रल नहीं करते क्योंकि वो या तो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड क्या सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि 6 लिगेंड ऑलरेडी जुड़ सकते हैं, 6 के ऊपर बहुत मुश्किल से जुड़ पाते हैं, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में जुड़ पाते हैं, वो एफ ब्लॉक की एमएसपी हमारे उसमें हैवी नहीं नेट गेट में, ठीक है. और दूसरी बात क्या कहते हैं, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी स्क्वायर प्लेनर में होगी. तो हमारा मेनली फोकस किस पर रहेगा? स्क्वायर प्लेनर पर. लीनियर को हम पता चल गया कि लीनियर में भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है. अब नेक्स्ट इज क्या क्या फैक्टर हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट को इफेक्ट करेंगे, कैसे रेट घटेगा कैसे रेट बढ़ेगा, वो बात हम देखते हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन. क्या क्या फैक्टर हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो पहला है एल द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
एज द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एटम इंक्रीजेस, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मेटल पर, ठीक है, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल देख लेता हूं मैं कि मेरे पास है PPH3 का PDPPH3, 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लीनियर कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, और एक है PH3PDPH3, ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लीनियर कॉम्प्लेक्स है। अब मेटल पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले केस में ज्यादा है, ऑब्वियसली इस वाले केस में ज्यादा है क्योंकि ये अच्छा पाई एक्सेप्टर है, बेटर पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर ज्यादा अच्छा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल को क्या कर दिया होगा इसने, कम कर दिया होगा, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल किस में ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल किस में ज्यादा होगी, इस वाले पीडी में ज्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से रेट भी क्या होगा इसका ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे वस्कास कॉम्प्लेक्स है, अगला एग्जांपल वैसे वस्कास कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल हो गया वस्कास कॉम्प्लेक्स, बताया था मैंने क्या होता है, IRCO, ठीक है, PPH3 और PPH3 एंड दिस इज CL, दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक बार इरिडियम, और यहाँ CS है, PPH3 है, और यहाँ PPH3 है, और यहाँ CL है, देखो तो CS इज बेटर पाई एक्सेप्टर, अच्छा पाई एक्सेप्टर है, किससे, CO से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इस वाले IR की ज्यादा होगी, और इस वाले IR की क्या होगी, कम होगी, तो कौन अच्छा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखेगा, ये वाला इरिडियम CO वाला ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि भाई कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे ही मैं किससे, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम ये सब प्लस वन में है अगर, ठीक है, तो आयरन फेरस ये सब जीरो में मान लिया मैंने, ठीक है, और निकल मैंने मान लिया प्लस टू, नहीं पढ़ोगे, निकल प्लस टू, प्लैटिनम प्लस टू में, सब किस में मान लिया है मैंने, प्लस टू टू में, ठीक है। तो आपको पता है निकल जीरो, पीडी जीरो एंड पीटी जीरो भी क्या देते हैं, ऑल गिव्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो अगर मैं आयरन से निकल तक जाऊं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की बढ़ रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो जिसकी वजह से इधर जाएंगे तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पर ऊपर से मैं नीचे आऊंगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे गया तो डिक्रीज करेगा और ऐसे गया तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या मेरा रेट इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो मतलब ये देखो यहां रीजन क्या है, इधर रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहां जीरो है, यहां वन और यहां से प्लस टू, जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और यहां जेड इफेक्टिव रीजन है भाई, यहाँ क्या आ गया कि जितना ज्यादा कम जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का मेरे कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अब यहाँ क्या नोट लिख डाल के एक बात लिखेंगे कि भाई कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मुझे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं,